झारखंड में दो दिनों की बारिश में ही शहर से लेकर गांव तक की सड़कें जलमग्न हो गई है। हालांकि किसानों के हल्के चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं, लेकिन राजधानी रांची की बात करें तो तमाम सड़कों पर जल जमा हो गया। आप यह सड़क को देखिए, यह सड़क किस तरह से यहाँ पर नाला भर गया है और पानी अब इसके ऊपर बह रहा है। ऐसा ही नज़ारा राजधानी रांची की तमाम सड़कों का है। आप ये देख सकते हैं, यह सड़क राजधानी रांची के सबसे वीआईपी रोड माना जाता है। यह जो आप सड़क देख रहे हैं, इसी सड़क से प्रतिदिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस के अलावा चीफ जस्टिस और मंत्री आना जाना करते हैं, लेकिन कभी भी किसी की नज़र यहाँ की बदहाल स्थिति पर नहीं पड़ती है। इसी का नतीजा है कि जब हल्की ही बारिश राजधानी रांची में हुई, दो दिनों की बारिश में ही पूरी पोल जो है ड्रेनेज सिस्टम की खुल गई है। इसमें नगर निगम पर भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कैसी व्यवस्था की गई है। अभी दो दिनों की बारिश में जब यह हाल है, अगर लगातार हफ्ते भर वर्षा होगी तो यह आलम यहाँ का क्या होगा। आपका दुकान के पास पूरा जल जमा हो गया है, पानी जम गया, कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी तो बहुत हो रहा है, लेकिन बरसात तीन दिन लगातार हो रहा है, इसके चलते हो रहा है। ये हरमू चौक से पूरा पानी बिटोर के इधर आ जाता है, इसके बाद एक दो घंटा रहता है, इसके बाद सब खत्म हो जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम नाला जो है पूरी तरह फेल साबित हो रहा है दो दिनों की बारिश में? हाँ, नाला फेल हो गया है, लेकिन धीरे धीरे टान रहा है पानी सब। खरीदार आ रहे हैं ऐसे में जल जमाव में? जल जमाव में नहीं आएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। व्यवस्था अच्छा नहीं है, पैसा खा गया, नाली बनाया है, देखिए कहाँ जा रहा पानी, जा रहा है रोड, देखिए वहाँ वहाँ नाली है, कहाँ से पानी आ रहा है, देखिए वहाँ आएगा, व्यवस्था है ये नहीं है, काम हुआ फेल हो गया काम, देख रहे हैं कैसे धंधा करें। नहीं नहीं कैसे धंधा करें बोलो, नहीं नहीं ठीक से बोलो, बोलो ठीक से बोलो, धंधा कैसे करेंगे? अगर व्यवस्था बढ़िया रहता तो गरीब आदमी कमा खा सकता था ना, कहाँ कहाँ से सब नाली पूरा पैक है, जैसे आया वैसे बना के चला गया ठेकेदार, सरकार का क्या दोहमत देंगे, मेन ठेकेदार रद्दी है, पैसा खा गया, नाली बना नहीं, रोड पूरा उबड़ खाबड़ हो गया पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ठेला खोमचा लगाकर लोग अपनी दुकानदारी करते हैं और दिन भर बेचने के बाद शाम में अपने घर जाकर खाना खाते हैं, उसी राशन ले जाकर के। हम आपको यह भी दिखाते हैं, यह जो नाला का निर्माण कराया गया, यह नाला एक साल पहले बना है, लेकिन जो इसमें पानी सूखने का हॉल बनाया जाता है वह काफ़ी ऊपर सड़क से रखा गया है। इसी का नतीजा है कि सड़क जब पे पानी जल जमा हो रहा है और पानी को नाले में नहीं जा पा रहा है। आप देख सकते हैं, इस साइड भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो नाले के ऊपर से पानी बह रहा है, कहीं पे भी जो जल नाला में जाने के लिए सुराख तक नहीं बनाया गया और पानी भरकर सड़क के ऊपर आ जा रहा है। आप आइए और आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से सड़कों पर पानी भर गया है। आपने देखा यह नज़ारा अभी राजधानी रांची के सहजानंद चौक का था, लेकिन ऐसे ही हालात राजधानी रांची के कई सड़कों का है। इससे सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम और जिसने निर्माण कराया इस नाले का, उसकी गुणवत्ता का ख्याल क्यों नहीं रखा। इसी सड़क से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस और तमाम मंत्री के अलावा वीआईपी लोग आना जाना करते हैं और दुकानदारों का आपने दर्द सुना कि बारिश होने के कारण जल जमा हो गया, अब उनकी दुकानों तक ग्राहक नहीं पहुँच रहे हैं। फिलहाल इसमें इतना ही। राजधानी रांची से जुड़ी और भी अपडेट पाने के लिए बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।